हाय एवरीवन, दिस इज दीपक अगेन एंड वेलकम टू कॉमिक जोन। तो आज मैं कोलकाता आ रखा हूँ और कोलकाता में गिटार की फैक्ट्री में हूँ। और कोलकाता में गिटार कैसे बनते हैं, आपको जैसे पता हो अगर कि कोलकाता जो है गिटार का हब है, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर गिटार बनते हैं तो कोलकाता में बनते हैं। तो गिटार बनते कैसे हैं, होलसेल में कैसे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होते हैं, अगर आपको गिटार बनवाने हैं तो कैसे बनवा सकते हो, अगर आपको होलसेल में लेने कैसे ले सकते हो, रिटेल में लेने कैसे ले सकते हो, इस सब के बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि गिटार बनते कैसे। तो जानते हैं यहाँ पे जो गिटार बनाते हैं उनसे कि गिटार जो है प्रॉपर बनते कैसे और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले ये एक फर्मा होता है, क्या बोलते हैं इसको, गिटार का फर्मा बोलते हैं। और इसके अंदर प्लाई लगती है साइडों में ना, तो वो कहाँ से कटती है, कैसे होता है वो दिखाना है एक बार। ये प्लाई है और ये काट काट के ऐसे स्ट्रक्चर में कटता है, प्रॉपर ये कट जाता है। उसके बाद इस फर्मे में कैसे लगता है फर्मा, एक बार दिखाना हमको। फर्मे को ऐसे रखते हैं, इसके वाइल ऐसे ही लगते हैं। अच्छा, पूरा चारों तरफ से इसकी शेप हो जाती है ऐसे लगेंगे। और ये फाइनल प्रोडक्ट दिखाना है एक बार। तो फर्मे में नेक लगने के बाद ऐसे टाइट हो जाते, ठीक है। इससे अगला स्टेप क्या होता है, ये लगाने के बाद, लकड़ी लगाने के बाद ये एक बार दिखाना, ये फर्मा हमारा तैयार हो जाता है। ये जो लकड़ी होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको पाइन वुड कहते हैं। पाइन वुड लगती है इसमें। अच्छा, पाइन वुड से क्या बेनिफिट मिलता है गिटार में, ये हल्का होता है, मजबूत होता है। अच्छा, और ये इससे लगता है ताकि गिटार टूटे ना, जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है सीधा रहे। अच्छा, अब जब इसके चारों तरफ लकड़ी लग जाती है तो ये ऐसा दिखता है। अच्छा, ये ऐसा प्लाई है और ये जो है चारों तरफ से इसमें लग जाएगा, ये जो हमारा ये जो बोर्ड स्ट्रक्चर बना था प्रॉपर ये वाला, इसके अंदर हमारा ये प्लाई लग जाएगा। इसमें अलग अलग तरीके की प्लाई आती है, जैसे कि फ्रेट बोर्ड के लिए जो रोजवुड आती है, तो इसमें कौन कौन सी टाइप की लकड़ी लगती है। ये होते टून जो कहते हैं। अच्छा, टून वुड लगता है। और किसी को अगर स्प्रूच वुड लगानी हो, पाइन वुड लगानी हो, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी लगवा सकता है। तो ये एक बार स्ट्रक्चर दिखाना दोनों। अच्छा, ये सामने और पीछे लकड़ी लगने के बाद अनफिनिश है, लेकिन ऐसा तैयार होता है। अच्छा, इसमें चारों तरफ ये लगता है, इसको क्या बोलते हैं, पीवीसी कहते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा चालू लैंग्वेज में सेलेक्ट है। अच्छा अच्छा, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, मतलब ये जो बनता है इसको बनाने के लिए ऐसे इसको टाइट किया जाता है। एक बार ये पीस दिखाएंगे आप, ये चारों तरफ से। अच्छा, इस पे जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था, इसमें ये वाली प्लाई जो होती है वो लग जाती है और इसको टाइट लग कर देते गोंद लगा के। तो अपना पूरा गिटार का बॉडी तैयार हो गया, नीचे का पार्ट अपना तैयार हो गया। इससे बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद क्या लगता है गिटार में, ऐसे पेट के रोल होते हैं जी, उसको काट के ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, ये नेक के लिए यूज होता है। अच्छा, और इसमें फ्रेट बोर्ड लगा हुआ है या फ्रेट बोर्ड अलग से लगता है, अलग से लगते है। इसको काटिंग करके ऐसे बना। अच्छा, और फ्रेट बोर्ड लगा हुआ दिखाना एक बार। अच्छा, ये फ्रेट बोर्ड लग जाता है, ये फ्रेट बोर्ड रोजवुड का होता है। हाँ, रोजवुड का फ्रेट बोर्ड लग जाता है इसमें, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या होता है, ये जो नेक होती है ये गिटार में लगती है, इस बॉडी में इसके साथ जी, इसका ऐसा सेटिंग करना पड़ता है। अच्छा, करने के बाद ये अभी मतलब इसमें ये ब्रिज भी लग गया है गिटार में, और ये जो फ्रेट वायर, ये नट लग गया है, ये चारों फ्रेट वायर जो है, और ये जो डॉट्स होते हैं ये छेदों के अंदर लगते हैं। हाँ, छेद करके लगा। और अच्छा, ये पूरा इसमें जो कीज लगनी है उसके भी छेद वगैरह प्रॉपर हो गया, गिटार का जो स्ट्रक्चर हो गया हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसका गिटार का पॉलिश होगा। तो अगला स्टेप देखें अब, चलिए। तो वो जो गिटार हमारे पास आए थे वो अगर देख रहे हो, काम वगैरह चल रहा है, पूरा फैक्ट्री वगैरह भी, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज है यहाँ पे और
इस तरफ से जो लकड़ी वगैरह है प्रॉपर यूज़ होती है, और इस तरह से पूरी फिनिशिंग वगैरह होती है गिटार की। दादा ये जो गिटार जो है इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बन गया है इसके बाद क्या होता है आगे का काम? ऐसे घिसना पड़ता है, ऐसे पेपर से घिसना पड़ता है जी। घिसने के बाद उसके ऊपर स्पीड में गाला और चौक मिलाया जाता है, मिला के इसको फिर दो कोट लगाना पड़ता है। अच्छा, ताकि इसके जो रेशे हैं वो खत्म हो जाए। हाँ, लकड़ी के उसको पेपर से कटिंग करने के बाद दो कोट गाला लगाया जाता है। अच्छा, ताकि और भी भर जाए जी, फिनिश आ जाए जी। फिर उसके बाद चढ़ता है सिलर, सिलर चढ़ता है ओपन मशीन से, सिलर चढ़ता है। अच्छा, मशीन से चढ़ता है। हाँ, मशीन से। अच्छा, सिलर चढ़ने के बाद सिलर का कटिंग होता है। अच्छा, ऐसे पेपर में, ऐसे पेपर देखे जी, 320 नंबर होता है या 400। अच्छा, तो ये चढ़ने के बाद मतलब ये फिनिशिंग के काम आता है। हाँ, इसके बाद फिर अगला प्रोसेस क्या होता है इसके बाद? उसके बाद कलर चढ़ाया जाता है, गिटार में पेंट होता है। पेंट होता तो चले फिर इसके अंदर गिटार में ट्रस रॉड भी डलती है, एक बार ट्रस रॉड भी दिखाओगे आप कौन सी यूज होती है? दिखाऊंगा। चलिए ठीक। अरे कटिंग क्या हुआ भाई, ये देखो इसको ऐसे कटिंग करके नीचे लगा देते हैं, नीचे आप एक बार वो दिखाना ट्रस रॉड। तो ये जो ट्रस रॉड है ये गिटार में यूज होता है प्रॉपर। इसका वर्क क्या होता है ट्रस रॉड का, किस लिए यूज होता है? होता है कभी कभी वेदर की वजह से हमारे जो फ्रेट बोर्ड है ना, तो जी फ्रेट बोर्ड डाउन हो सकता है, गिटार का नेक बेंड हो सकता है। हाँ, तो ट्रस रॉड के माध्यम से वो फ्रेट बोर्ड का ऐसे उठाया जाता है और वो लेवल में है। तो नेक बेंड खत्म करने के लिए, माइनर नेक बेंड है तो ट्रस रॉड से ठीक हो जाता है। चलिए ठीक है, पूरा प्रोसेस देख लिया था, बस रह गया था तो उसमें पेंट करना। तो एक बार अब देखते हैं कि पेंट जब हो जाता है तो गिटार का वो कैसे कैसे लगता है, कौन कौन सी बॉडी शेप में गिटार बनता है। तो ये जो है गिटार का मॉडल है, इसको क्राउन मॉडल बोलते हैं। और एकदम सामने से दिखाना है इसको, थोड़ा पीछे आना। तो ये एक गिटार का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो इतना तैयार हो जाता है। अब एक और मॉडल दिखाता हूँ आपको गिटार का, इसको क्राउन मॉडल बोलते हैं। ये जो होता है बेबी गिटार है, इस शेप में तैयार होता है। यहाँ पे भी हम कारखाने के अंदर आ रखे हैं तो रोशनी जो है थोड़ी कम है। ये सब सेमी इलेक्ट्रिक गिटार होते हैं और पूरा पेंट हो जाता है इसके अंदर। ये जो कीज़ हैं ये लग जाती है, कीज़ वगैरह लगने के बाद ये गिटार ऐसा हो जाता है। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम गिटार का, जैसे कि ये गिटार है, इसकी जो विड्थ होती है वो थोड़ी मोटी होती है। अब एक प्रॉपर फिनिश्ड गिटार जो होता है फैक्ट्री में वो देखते हैं हम एक बार कि कैसा लगता है वो। ये प्रॉपर गिटार बन रखा है सर, हाँ इसमें प्रॉपर अगर हम शेप वगैरह देखें, पेंट वगैरह देखें, एकदम हाई क्वालिटी का वर्क है। इसमें जो फ्रंट वुड है कौन सी वुड है वो? ये पाइन वुड कहते हैं इसे, पाइन वुड। मतलब गिटार देखने में ही क्वालिटी वाला लग रहा है। इसमें जो कीज़ है वो कवर्ड कीज़ यूज़ हो रखी है। ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल स्ट्रक्चर गिटार का काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये सारे गिटार जो है हम मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, मतलब जो हमने अंदर की शेप्स देखी थी वो वाला गिटार बनवाना हो, ये बनवाना हो, तो किसी भी तरीके का गिटार जो है बन जाएगा। क्वालिटी मतलब कस्टमर पे डिपेंड करती है। अच्छा, और ये अपना लोकेशन क्या पड़ता है गिटार का, मतलब ये जो फैक्ट्री है यहाँ का? यहाँ पे जो लोकेशन पड़ता है काकीनाड़ा, काकीनाड़ा, काकीनाड़ा के पास गिटार की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, और किसी को अगर कांटेक्ट करना हो कि कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो नंबर दिया जाएगा उसी को कांटेक्ट करें, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर काकीनाड़ा का नियरेस्ट वो क्या पड़ता है, स्टेशन कौन सा पड़ता है यहाँ का?
काकीनाडा रेलवे स्टेशन है। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। पूरा जो डिटेल होगा, जो पूरा एड्रेस वगैरह होगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहाँ से गिटार मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हैं किसी भी कलर में, किसी भी शेप में, अपने लेबल के हिसाब से, इनके लेबल के हिसाब से, या फिर आप चाहते हैं कि गिटार इनके नाम का जो है आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाए, होलसेल में चाहते हैं या रिटेल में, सिंगल पीस भी कोई लेना चाहता है यहाँ से तो फैक्ट्री में आके ले सकते हैं, तो आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं। अगर डिलीवरी करवानी हो तो कहाँ कहाँ का ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है? सब जगह, ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। और अगर COD करवाना हो तो कोलकाता में, आपका आसपास का पूरा कोलकाता में डिलीवरी हो सकता है। तो ऑल ओवर कोलकाता में तो बेनिफिट ये रहेगा कि कोलकाता में ही शॉप है, तो आसपास में आप आराम से यहाँ पे आके ले भी सकते हैं। अगर कैश ऑन डिलीवरी करवाना है, डिलीवरी करवाना है, तो वो भी करवा सकते हैं। एक और बार आपने जो अभी एक और गिटार दिखाया था ऐसे में ही, एक बार वो भी दिखा दीजिए मेरे को। हाँ, तो ये देख रहे हो जैसे कि ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है, पूरा सेम गिटार वही है, ब्लैक कलर में अवेलेबल है। जो कीज़ है, कवर्ड कीज़ है, और प्रॉपर गिटार का एक्शन भी अगर देखेंगे ना, तो एक्शन यानी कि स्ट्रिंग्स और फ्रेडबोर्ड के बीच का डिस्टेंस एकदम परफेक्ट है। तो मतलब प्ले वगैरह करेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एज अ बिगनर भी। तो ये सारे कलर में, जितने भी कलर होते हैं उस कलर में अवेलेबल है। कस्टमाइज करवाना हो, नाम लिखवाना हो, नाम वगैरह भी लिख देते हैं ना आप, कुछ भी आपको करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल रहेगा, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपका नाम सर? सोमनाथ जी है, इनका नंबर अवेलेबल रहेगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। डिलीवरी वगैरह ऑल ओवर इंडिया भी अवेलेबल है। कोलकाता में ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि कोलकाता में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इजीली आपको डिलीवर हो जाएगा, और डिलीवरी भी जो चार्जेस होंगे कोलकाता में कम लगेंगे। तो आज की ये मैन्युफैक्चरिंग वाली वीडियो में इतना ही, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।